शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ कर्नल अजय जी, बात करें यहाँ पे अगर कम्युनिटी बाजार में कृषि फसलों की, तो सबसे पहले आपसे सोयाबीन के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। विदेशों में तो देख रहे हैं कि ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के हालात हैं। आज यूएस सोयाबीन वायदा भी $1600 के पार जा चुका है, कल को $1570 के आसपास था, यानी कि $30 से $35 एक ही दिन में देखने को मिला। वायदा बाजार में भी NCDX पर सोयाबीन की कीमतें तेज हुई हैं, 6600 के ऊपर हैं इस समय और 6700 के ऊपर का भी लेवल टेस्ट होता नजर आ चुका है। ऐसे में कर्नल अजय जी, आपको क्या लगता है इन सब के मद्देनजर क्या सोयाबीन में आगे तेजी रहेगी, क्या डिमांड भी उतनी है जितनी कीमतें बढ़ रही हैं, आगे कैसा रुझान रहेगा सोयाबीन में? देखिए अखिलेश जी, हमने आपको याद होगा कि पिछले लगभग आपको याद होगा कि पिछले एक महीने पहले जब सोयाबीन और रिफाइंड के ऊपर सरकार ने NCDX के ऊपर वायदे बाजार पर रोक लगाया था और साथ साथ में इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की बात की थी और स्टॉक लिमिट्स की बात की थी, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि धैर्य रखने की बात है, सोयाबीन के दामों के अंदर मुझे कमी नजर नहीं आती है और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के तर्ज के ऊपर ही इसका भाव चलेगा, यहाँ पर रोक लगाने से कुछ बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। और जो रिफाइंड ऑयल का 1025 के आसपास का जो भाव था, 1020 का भाव था, आप देखिए 1300 रुपए से ऊपर तक का बिक रहा है, तो ये एक बड़ी तेजी दर्ज हुई है। और सोयाबीन के अंदर अर्जेंटीना, ब्राजील के अंदर भी शुष्क मौसम और वहां पे मौसम की परेशानियों की वजह से सोयाबीन के दाम बढ़ रहे हैं। और गौरतलब है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो भी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक भी सोयाबीन की का एक्सपोर्ट में कमी दर्ज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ब्राजील से भी जो समाचार मिल रहे हैं उसके आधार पर उत्पादन के अंदर कमी की संभावना है और इसका असर सोयाबीन के ऊपर पड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, चाइना भी सोयाबीन के आयात में अच्छी रुचि ले रहा है, इसके वजह से भी सोयाबीन के दामों में फर्क पड़ रहा है। तो ऑयल सीड्स के अंदर इस साल सरकार को लगभग अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ सकती है और इसके अंदर लगभग 8 से 10% अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ सकती है और ये 1.25 लाख करोड़ से ऊपर की होने की संभावना है या 1,40,000 के आसपास, 1.4 लाख करोड़ के आसपास इसकी होने की संभावना है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि सोयाबीन के जो भी मिलर्स हैं, देखिए मार्केट टाइम के माध्यम से मैं आगाह करने वाला हूँ किसानों के साथ साथ मिलर्स को, किसानों के बड़े स्टॉकिस्ट को, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप जब हम आपसे आपके माध्यम से दर्शकों को कह रहे थे, कारोबारियों को कह रहे थे कि सोयाबीन के अंदर मत घबराइए, धैर्य रखिए और वो तेजी हो गई। अब तेजी में सब लोग खरीदने के लिए दौड़ेंगे और उसके बाद यदि जरी सी मंदी आएगी तो सबको बड़ी परेशानी हो जाती है। मेन चीज ये है कि यदि आप पूर्व अनुमान लगा के निचले दामों में यदि माल खरीद लेते हैं तो आपको शानदार मुनाफा आपको मिल जाता है, और यदि जब तेजी बनने के बाद में फिर आप कहें कि हम क्या करें, ये तो वैसे ही होता है कि जब पूरे साल मास्टर जी ने पढ़ाया, आपने पढ़ाई नहीं की और जब एग्जाम के दिन आया तो उस वक्त आप कहते हैं जी अब मैं क्या करूं। तो महत्वपूर्ण ये होगी कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर जब हम आप शो के अंदर आपको बात कहते हैं कि धैर्य रख के माल खरीदिए, उस वक्त यदि कारोबारी खरीदेंगे तो फायदा रहेगा। अब बड़ी तेजी बनने के बाद में जरी सी भी मंदी होगी तो परेशानियां बनेंगी, तो इसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, सरकार भी तिलहन के को प्रमोट करने के लिए अपना भरपूर प्रयास कर रही है लेकिन ये प्रयास नाकाबिल है, ये भागीरथी प्रयास करने पड़ेंगे स्वामीनाथन के जैसे, जो हरित क्रांति के दौरान किया गया था हमें गेहूं के ऊपर आत्मनिर्भर और हमारी कृषि की उपज के ऊपर आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए। छोटी मोटी 10-20 करोड़ में नहीं होगा, इसके लिए पूरा भागीरथी प्रयास करना पड़ेगा।
ये चीज। और अब सवाल ये है कि अब क्या करें जी, तो यही मेरा कहना है कि जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आप सोयाबीन खरीद लीजिए, क्योंकि इस दामों पर बहुत जबरदस्त लेवल ऊपर लेवल के ऊपर थोड़ा खतरा बढ़ता है, तो जब तक नीचे नहीं आए तो फ्रेश बाइंग जो लंबी अवधि के लिए करना चाहते हैं उनको बचना चाहिए, और जो निचले दामों पर जिन्होंने हमने कहा हमारे कहे अनुसार या हमारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार जिन्होंने माल खरीदा था उनको कुछ मुनाफा वसूल करना चाहिए, ये मेरा आकलन सोयाबीन के ऊपर है। गौरतलब है कि तेजी में तेजी करने से हमेशा नुकसान होता है और मंदी में मंदी करने से हमेशा नुकसान होता है। यदि कारोबारी हो तो आने वाले एक से डेढ़ महीने दो महीने का अग्रिम अनुमान जब मंदी है तब आप लोगे तो आप हमेशा फायदे में रहोगे, क्योंकि जो कारोबारी जो स्पेकुलेटर्स हैं डे जॉबर हैं सुबह खरीदते शाम को बेचते हैं, देखिए उनकी ट्रेडिंग के लिए अलग है, उनको उनको आप बिल्कुल अलग रख दीजिए। लेकिन जो मिलर्स हैं जो डेढ़ से दो महीने का माल अपने पास स्टॉक में रखते हैं या वो स्टॉकिस्ट जो डेढ़ से दो महीने आगे का माल अपने पास स्टॉकिंग करते हैं उनको अभी माल खरीदने से बचना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये मेरा विश्लेषण है सोयाबीन के ऊपर। ये अखिलेश जी जी, फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।